आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। ओमकारेश्वर मोरटक्का के बीच डामरीकरण को लेकर युवा मोर्चा ने उठाए सवाल। मोरटक्का स्वागत द्वार से ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर के बीच लोक निर्माण विभाग द्वारा रोड के ऊपर रोड बनाया जा रहा है। पेचवर्क का कार्य जिसमें बिना गुणवत्ता के डामरीकरण को लेकर युवा मोर्चा ने उठाए सवाल। नगर अध्यक्ष पवन खंडेलवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश की शिवराज सरकार जनता के लिए अनेक विकास कार्य कर रही है। थापना ओमकारेश्वर के बीच डामरीकरण में बिना गुणवत्ता के ठेकेदार व विभाग द्वारा लापरवाही पूर्ण कार्य किया जा रहा है। जगह जगह गति अवरोधक बनाए गए हैं जिनमें आवश्यक कलर एवं बोर्ड चिन्हित नहीं किए जाने से दुर्घटना का भय बना हुआ है। युवा मोर्चा ने जांच की मांग की है। आजाद न्यूज के लिए ओमकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में सभी तीर्थ क्षेत्रों में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए ओंकारेश्वर से मोरटक्का के बीच का जो मार्ग था वो थोड़ा सा दुरुस्त था, उसको खराब था, उसको दुरुस्त करने के लिए डामरीकरण का कार्य किया जा रहा है जिसकी गुणवत्ता में कमजोर है। थापना से ओंकारेश्वर के बीच में स्पीड ब्रेकर बना दिए हैं डामरीकरण करने वाले ने, तो उस स्पीड ब्रेकर के ऊपर चिन्हित कुछ भी नहीं है जिससे आने वाले समय में दुर्घटना का अंदेशा बना रहेगा। मतलब आप चाहते हैं कि जो मार्गों पे रंग रोगन किया जा रहा है उसको गुणवत्ता के साथ में वहाँ पर चिन्ह लगाए जाए जिससे आने वाले यात्रियों को मालूम पड़ जाए कि यहाँ पे ब्रेकर है या टर्न है। जहाँ पर भी ब्रेकर बने हुए हैं उन ब्रेकरों के ऊपर कुछ भी चिन्हित लगाया जाए या बोर्ड लगाया जाए जिससे दर्शनार्थी को या गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को दूर से ही दिख जाए कि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर है।